Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talaba, आज हम Divisional Public School and Inter College Sahiwal की 9th class Computer Science का 12th lecture discuss करेंगे. इस lecture में Unit Number 2 में जिन चीजों को हमने पढ़ लिया हुआ है एक दफा उनको रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे. हमने इस लेक्चर के अंदर जिस चैप्टर को डिस्कस करना है वो है बाइनरी सिस्टम. इसका इंट्रोडक्शन एक दफा मैं फिर आप लोगों के सामने पेश करता हूं, उसके बाद फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ चलेंगे. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. The number system that only contains ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. अजीज तलबा, हम लोग इस चैप्टर में 01 की लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो किस तरह से अपने अंदर तमाम डाटा को स्टोर करता है, किस तरह से प्रोसेस करता है, और हम लोग हमारी अपनी लैंग्वेज में उसको किस तरह से कन्वर्टेड फॉर्म में देखते हैं, कंप्यूटर किस तरह से हमारी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और उस कन्वर्टेड लैंग्वेज को हम तक पहुंचाने में क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करता है. हमने इस चैप्टर में अभी तक 01 से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्जन का सिस्टम डिस्कस किया है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो जो चीजें पढ़ ली ही हुई हैं वो और जो अभी हमने पढ़ ली है जरा उनको एक दफा देखते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम ये हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के पहले लेक्चर में. फिर इसी तरह से नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, फिर इसी तरह से डेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल में, और फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखी हमने. इसी तरह से हमने नेक्स्ट लेक्चर में मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज को भी डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को जो रह गया था रिमेनिंग उसको हम डिस्कस करेंगे, डेटा स्टोरेज सिस्टम को. आने वाले लेक्चर्स में मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस किया जाएगा और फिर इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा बूलियन अलजेब्रा, हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर्स में इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे. जी तो अजीज तलबा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज को डिस्कस किया था. कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा. प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. ये दो टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस किया था, एक थी वोल्टाइल मेमोरी और एक थी नॉन वोल्टाइल मेमोरी. आपको याद होगा अजीज तलबा कि वोल्टाइल मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जो वोल्टेज होने पर अपने अंदर डेटा को स्टोर रखती है, जब वोल्टेज खत्म हो जाती है तो अपने अंदर से डाटा को खत्म कर लेती है. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम वोल्टाइल मेमोरी है, जिस वक्त हम लोग कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं इसके अंदर डाटा मौजूद रहता है, जैसे ही कंप्यूटर को हमने स्विच ऑफ किया, इसकी वोल्टेज को बंद कर दिया, तो रैम में से जितना भी डाटा होगा वो वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. जब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे या दोबारा ऑन करेंगे तो नए सिरे से हम रैम को जो भी डाटा देंगे प्रोसेसिंग के लिए वो उसके अंदर जाएगा. और नॉन वोल्टाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो वोल्टेज हो या ना हो अपने अंदर डाटा को स्टोर रखती है. मींस के अगर हम कंप्यूटर को बंद भी कर दें तो डाटा मौजूद रहता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे उस डाटा स्टोरेज को एक्सेस करेंगे तो वहां पे वो डाटा महफूज होगा जो हमने प्रीवियसली सेव किया था. इसकी बेस्ट एग्जांपल्स में कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क,
फिर फ्लैश जिसको हम लोग डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मेमोरी कार्ड उसके अंदर भी डाटा को स्टोर करते हैं हम लोग, सीडीज को डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसी तरह से हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जो उसकी इंटरनल मेमोरी होती है उसके अंदर भी डाटा स्टोर करते हैं। तो ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर रहता है, खा उसके अंदर वोल्टेज हो या ना हो, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म, इट मींस दैट वेदर इट इज अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ऑल द कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैज एन associated code is binary, in binary this code is called ASCII code of the characters. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. अजीज तलबा, एक बात आप जहन में रखें कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं ना, तो उसका एक कोड मेंशन किया होता है कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम में, और वही कोड कंप्यूटर लेके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने कीबोर्ड से ए को प्रेस करते हैं तो ए का कोई एक कोड है, लेट्स सपोज ए का कोड है 65, तो 65 को कंप्यूटर अपनी मेमोरी में 65 की सूरत में नहीं ले जाएगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, तो 65 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके अपने सिस्टम में लेके जाएगा, जिसको हम लोग 01 की लैंग्वेज भी कहते थे। इट इज अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी, दे आर रिप्रेजेंटेड आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। अजीज तलबा, हम लोग आज ASCII कोड टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो टेबल क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से कोड्स हैं, किस किस की को या किस किस कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर से जो जो कीज अवेलेबल हैं उन कीज को क्या क्या नंबर मिला हुआ है। ये देखें, हमारे पास ASCII टेबल है जिसके हम लोग जो किताब है उसके मुताबिक 32 से हमारा ASCII कोड शुरू होता है। 32 इक्वलेंट है स्पेस के, 33 एक्सक्लेमेशन साइन के लिए, 34 कोटेशन मार्क या जिसे हम कोट्स कहते हैं उसके लिए है, इसी तरह से 35, ये देखें 35 नंबर साइन के लिए, 36 डॉलर साइन के लिए, 37 परसेंटेज साइन के लिए, 38 एम्परसेंट साइन के लिए, 39 अपोस्ट्रोफी साइन के लिए, 40 राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के लिए, 41 राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के लिए, और ये वो राउंड ब्रैकेट है जो क्लोज करती है, 42 एस्टेरिक साइन के लिए, 43 प्लस साइन के लिए, 44 कॉमा के लिए, 45 हाइफन के लिए, 46 डॉट या फुल स्टॉप के लिए, वो जो हम कीबोर्ड से फुल स्टॉप प्रेस करते हैं ना, तो उसका ASCII कोड है 46। इसी तरह से 47 है स्लैश साइन के लिए यूज होता है, 48 से जीरो नंबर शुरू हो जाता है, फिर 49 वन के इक्विवेलेंट है, 50 टू के इक्विवेलेंट है, 51 थ्री के इक्विवेलेंट है, 52 फोर के इक्विवेलेंट है, 53 5 के इक्विवेलेंट है, 54 6 के इक्विवेलेंट है, 55 7 के, 56 8 के, 57 9 के। ये मैं दोबारा बताने लगा हूं अजीज तलबा के, जब हम कीबोर्ड से 9 को प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर 57 ASCII कोड कंप्यूटर को देगा, और 57 को कंप्यूटर अपने तौर पर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 01 में कन्वर्ट करेगा।
इसी तरह से 58 कॉलन के लिए यूज होता है, 59 सेमी कॉलन के लिए यूज होता है, 60 लेस देन साइन के लिए यूज होता है, 61 इक्वल साइन के लिए यूज होता है, 62 ग्रेटर देन साइन के लिए इस्तेमाल होता है, और 63 क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 63 नंबर तक हमने अभी डिस्कस किया। रिमेनिंग जो है उनको भी एक दफा देखते हैं कि 64 एट साइन के लिए, उसके बाद हमारे अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं। 65 कैपिटल ए के लिए, 66 कैपिटल बी के लिए, 67 कैपिटल सी के लिए, और ये ऑनवर्ड चलता जाएगा हमारा जो कैपिटल जेड है वो 90 के लिए। तो 90 ASCII कोड जब हम कैपिटल जेड प्रेस करेंगे उसके लिए मेंशन किया हुआ है, मखसूस किया हुआ है। फिर इसी तरह से जब 91 हम लोग देखते हैं तो वो स्केयर ब्रैकेट्स या जिसे बॉक्स ब्रैकेट कहा जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और बैक स्लैश के लिए 92। इसी तरह से स्केयर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट्स जो क्लोज ब्रैकेट्स भी कहलाती हैं, 93 कोड मेंशन किया हुआ है। फिर इसी तरह से कैरेट और सर्कमफ्रेंस एक्सेंट के लिए 94 फिक्स किया गया है। अंडरस्कोर के लिए या जिसे हम लोग अंडरस्टेरिक भी कहते हैं या इसको अंडर बार या लो लाइन भी कहा जाता है, 95 कोड फिक्स किया गया। और इसी तरह से हम लोग ग्रेव एक्सेंट के लिए 96 को ASCII कोड नंबर देंगे, और जो स्मॉल ए है उसके लिए 97 है। फिर आगे ऑनवर्ड अगर हम देखें तो स्मॉल बी के लिए 98 है, स्मॉल सी के लिए 99 है, स्मॉल डी के लिए 100 है, स्मॉल ई के लिए 101 है, स्मॉल एफ के लिए 102 है, और ये इसी तरह से ऑनवर्ड चलते 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 जेड तक। जेड का ASCII कोड है 122, और ये सारे के सारे लोअर केसेस में है। हमने जो कैपिटल में देखे थे वो 65 से शुरू होते थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और ये कैपिटल जेड तक 90 चलता था, जबकि जो स्मॉल ए है वो 97 से शुरू होता है और स्मॉल जेड जो है वो 122 तक चलेगा। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के लिए, जिसे हम लोग ब्रेसेस भी बोलते हैं, 123 कोड मेंशन किया गया, फिक्स किया गया, और 124 वर्टिकल बार जिसे वी बार भी कहा जाता है, या वर्टिकल लाइन, या इसको हम लोग वर्टिकल स्लैश भी कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। 125 कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करने के लिए या जिसे हम लोग ब्रेसेस कहते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और 126 टिल्ड साइन के लिए जिसे हम लोग स्विंग डैश भी बोलते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। और हमारे कोर्स के ASCII टेबल में जो सबसे लास्ट कोड है 127, वो डेल या डिलीट बटन के लिए इस्तेमाल होता है। अजीज तलबा, ये ASCII टेबल आप लोगों के सामने है। इस ASCII टेबल के ऊपर से हम लोग अपना ASCII कोड ढूंढ के अपने डाटा का बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसकी एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी, तो एक एग्जांपल को देखते हैं जिसकी मदद से हम लोग हमारी कॉमन लैंग्वेज में से एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसका ASCII कोड निकाल के उसको कंप्यूटर की मेमोरी में देखते हैं किस तरह से एडजस्ट होगा। एग्जांपल है टू स्टोर नेम ऑफ आर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर्स मेमोरी, वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 byte, एज द वर्ड पाकिस्तान कंटेन 8 letters, सो 8 bytes आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, इट इज डेमोन्स्ट्रेट इन टेबल 2.6। ये देखें जी, ये टेबल आपके सामने है। यहां पर जरा गौर करें, ह्यूमन व्यू अबाउट मेमोरी पहला कॉलम है। इस पहले कॉलम में सबसे पहले हमने पाकिस्तान का पी कैपिटल लिया है, और इस पी कैपिटल का जो कोड डेसिमल में ASCII टेबल के अंदर दिया हुआ है वो है 80।
इस 80 को जब बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास ये बाइनरी कोड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में कैपिटल पी 80 कोड की वजह से इस फॉर्म में जाएगा। जब हम पी को प्रेस करेंगे तो ये वाला बाइनरी कोड क्रिएट होगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट करेक्टर है ए, ए का आस्की कोड है 97। 97 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 1100001। फिर इसी तरह से नेक्स्ट करेक्टर है इसका के, के को अगर हम देखें लिस्ट में या टेबल में जो आस्की टेबल है तो वहां पे इसका कोड है 107। ये ज़हन में रखें, ये के स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल के है ये, यहां पे भी स्मॉल के दिया हुआ है, तो स्मॉल के का कोड है 107। इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 110101। अब नेक्स्ट इसका करेक्टर है आई, स्मॉल आई, ये स्मॉल आई, और यहां से इसका कोड बनेगा 105 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 110001। और नेक्स्ट इसका है करेक्टर एस, स्मॉल एस है ये, स्मॉल एस का आस्की कोड है 115। इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 110011। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है टी, टी का जब आस्की कोड लिया तो वो आ गया 116 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 111000। फिर इसी तरह से नेक्स्ट का है ए, ए का जिस वक्त हमने आस्की कोड लिया तो वो आता है 97। आप जहन में रखें कि यही वाला ए है, जो यहां पे लिया था वही यहां पे है, और जो यहां पे कोड आया था डेसिमल इसका बाइनरी में वही बाइनरी कोड यहां पे आएगा 110001। अब इसमें लास्ट करेक्टर है एन, पाकिस्तान का लास्ट करेक्टर है एन, एन का जिस वक्त हमने आस्की कोड लिया तो वो आया है 110 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 110110010। तो इस टेबल में हमारे पास जो बाइनरी कोड आया है एक्चुअली कंप्यूटर यही वाला कोड अपने अंदर अपने पर्पस के लिए अप्लाई करेगा। हमने तो यहां से पी को प्रेस किया ना, हमें नहीं पता नीचे क्या हो रहा है कीबोर्ड के, पी को प्रेस किया, उसका आस्की कोड कंप्यूटर के पास है 80 को उसने खुद से कन्वर्ट कर लिया अपने पास बाइनरी में। और ये 80 से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्जन के अंदर डिस्कस किया था कि बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट करके खुद से भी एक दफा देख सकते हैं। तो इस टेबल में अजीज तलबा हमने ये सीखा कि किस तरह से किसी भी स्टेटमेंट या वर्ड को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड के अंदर, वो बाइनरी कोड जो कंप्यूटर को चाहिए होता है। अब कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा घर पे अप्लाई करने के लिए, इस तरह का टेबल बनाएं, और जो इससे प्रीवियस स्लाइड में आपने आस्की टेबल देखा है या आपकी कंप्यूटर की किताब के ऊपर भी वो आस्की टेबल बना हुआ है, उस टेबल की मदद से इस तरह का एक टेबल आप लोग अपने कागज पेंसिल लेकर अपने रजिस्टर के ऊपर ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के बाद हर एक वर्ड के करेक्टर को आप यहाँ पे लिखें। इवन यहाँ पे जो स्पेस है ना उसको भी आपने कंसिडर करना है, स्पेस के लिए भी कोड दिया हुआ आपकी किताब के ऊपर। वो क्या आपकी होमवर्क असाइनमेंट है, सबसे पहले लिखा हुआ है मोहम्मद स्पेस अब्दुल्ला, एम कैपिटल है, यू एच ए एम एम ए डी मोहम्मद, आगे स्पेस है, स्पेस का भी आपने जहन में रखना है कि आस्की कोड है तो वो आस्की कोड आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद ए कैपिटल बी डी यू एल एल ए एच, आपके कॉलम बनेंगे 3 और आपकी रोज कितनी बनेंगी इनको जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6
7, 8, space 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17. 17 आपकी रोज बनेगी और 3 आपके कॉलम बनेंगे। उसकी मदद से आपने इस मोहम्मद अब्दुल्ला दो वर्ड्स का आपने बाइनरी कोड बनाना है ASCII कोड की मदद से। आप अपने कागज पेंसिल रजिस्टर इन तमाम चीजों को सामने रख के फिर इसके ऊपर आप वर्किंग शुरू करें। सेकंड असाइनमेंट है आई लव पाकिस्तान। आई कैपिटल है, स्पेस एल कैपिटल है, ओ वी ई, फिर स्पेस पी कैपिटल है, ए के आई एस टी ए एन, पाकिस्तान। कितने करेक्टर्स टोटल बनते हैं? 1 स्पेस 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 रोज आपकी टोटल बनेंगी। इन 15 रोज की मदद से एक आप और टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें 3 कॉलम और 15 रोज होंगी और इसका ASCII कोड की मदद से आपने बाइनरी निकालना है जो कि आपकी प्रैक्टिस में शामिल है। फिर एक और असाइनमेंट इसी के साथ है, 14th अगस्त 1947, 1-4 आगे स्मॉल टी और स्मॉल एच, फिर उसके बाद स्पेस, ए कैपिटल, यू जी यू एस टी, फिर स्पेस 1-9-4-7। अब इसके टोटल कितने रोज बनेगी? 1-2-3-4 स्पेस 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 और 16। 16 इसकी रोज बनेगी, 3 कॉलम बनेंगे और 16 रोज बनेगी। इस असाइनमेंट को अजीज तलबा आपने कागज के ऊपर बना के उसकी तस्वीर खींच के आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो आपकी क्लास के लिए बनाया गया है उसके अंदर फॉरवर्ड करनी है। ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। इस होम असाइनमेंट को जिस दिन आपका लेक्चर है उससे अगले दिन तक आपने सबमिट करवाना है। अजीज तलबा उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कंप्यूटर किस तरह से आपके दिए हुए डाटा को अपने अंदर ASCII कोड की मदद से 0-1 में कन्वर्ट करता है और उस 0-1 में कन्वर्ट करने के बाद वो स्टोर किस तरह से करता है, किस फॉर्म में करता है, हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि वो इसके बाइट्स या बिट्स या इसके मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स या गीगाबाइट्स किस तरह से बनाता है, कैसे उसको हम लोग मेजर करते हैं और किस मेथड के तहत हम लोग इनकी बाइफरकेशन करते हैं। अजीज तलबा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसका जो ASCII टेबल दिया गया है उसको आपने जुबानी याद करना है। वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। MCQs में या तो कोई ASCII कोड दिया जाता है और आगे उसकी 3 या 4 ऑप्शंस दी जाती हैं कि ये कोड किस पर्पस के लिए, इसी तरह से कोई सा स्पेशल करेक्टर दे दिया जाता है और नीचे उसके 3 या 4 ASCII कोड दे दिए जाते हैं कि इनमें से बताएं कि उस करेक्टर का कौन सा ASCII कोड है। तो आपकी प्रैक्टिस होना लाजमी है, फिर ही आप इस चैप्टर के ऊपर अबूर हासिल कर सकेंगे और आगे बढ़ने के लिए आपको ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि आपको कन्वर्जन्स भी अच्छे तरीके से आ गई हैं और ASCII जो टेबल है उसके तमाम करेक्टर्स भी अच्छे तरीके से याद हो गए हैं कि किस करेक्टर का कौन सा कोड है। टोटल आपकी जो किताब के ऊपर दिए गए हैं उन तमाम कोड्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और याद करने के बाद एक दफा ये असाइनमेंट जुबानी करने की कोशिश करनी है। अगर किसी जगह पे कोई मिस्टेक होती है तो आप किताब से एक दफा देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस इसीलिए दी गई है कि आपको टेबल याद हो जाएगा कि टेबल के अंदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे किस रेंज पे अवेलेबल है। आप उसको जुबानी याद करें या आप अपने फिंगर्स के ऊपर काउंट करके नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट कौन सा, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे तरीके से दोबारा फिर समझा दूंगा। अजीज तलबा आप लोगों से गुजारिश है
कि अपने घरों में महफूज हैं आप लोग, अपने घरों में रहें, अपने घर से किसी भी सूरत बाहर ना निकलें। एमरजेंसी की सूरत में या बहुत ज़रूरी काम है उस सूरत में अगर निकलना भी पड़े तो SOP इसका ख्याल रखें, अपने आप को कवर करके निकलें, मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें, 20-20 मिनट के बाद अपने हाथों को धोएं और कोशिश करें जब बाहर निकलें तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अजीज तलबा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको, आपके घर में आपके तमाम अहले खाना को महफूज रखेगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ।